नमस्कार, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उज्जैन से लेकर के कोटा के बीच में एक नई रेलवे लाइन के बारे में। जी हाँ, आपने अगर सुना होगा कि उज्जैन से आगर के रास्ते झालावाड़ सिटी के बीच में एक नई और एक काफ़ी पुरानी परियोजना है जिसको बनाने के लिए यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्र की जो जनता है वो काफ़ी लंबे समय पहले से मांग कर रही है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उज्जैन झालावाड़ नई रेलवे लाइन, जिसके बन जाने के बाद आगर झालावाड़ी नहीं बल्कि उज्जैन से कोटा तक का सफर काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो चलिए सारी बातें करते हैं और क्या है अभी इसकी वर्तमान की स्थिति और कब तक ये रेल लाइन जो है बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उज्जैन से लेकर के आगर के बीच में यहाँ पर 1915 में पहली बार जो है नैरोगेज ट्रेन को चलाया गया था, और वो भी ग्वालियर स्टेट द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा था, लेकिन 1975 में ही नैरोगेज ट्रेन का यहाँ पर जो है अंत हो गया इस मार्ग पर। वहीं यहाँ पर बने हुए स्टेशन भी यहाँ पर अब एबेंडेंड पड़े हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिनकी जो देख रेख है वो भी अब यहाँ पर कोई नहीं करता है। जाहिर तौर पर पटरियाँ भी उखाड़ ली गई हैं, डिसमेंटल कर दी गई हैं, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर बड़ी रेल लाइन नहीं आई है। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता काफ़ी लंबे समय से मांग कर रही है कि आखिर बड़ी लाइन कब तक हम सभी लोगों को देखने को मिलेगी। तो सरकार में भी सबसे पहला जो सर्वे है वो 1998 यानी कि 1998 में लिया गया, लेकिन उस सर्वे के बाद इस रेल लाइन को यहाँ पर इतना महत्व नहीं दिया गया। फिर अगला जो सर्वे हुआ वो 2007 और 8 में हुआ, तब इस रेल लाइन को उज्जैन से आगर के रास्ते झालावाड़ तक 190 किलोमीटर तक की जो दूरी है यहाँ पर वो सामने निकाली गई। और फिर इसके बाद में 2016 और 17 में जो है इसका अंतिम सर्वे लिया गया, जहाँ पर फाइनल लोकेशन सर्वे के अनुसार 2100 करोड़ रुपया इसमें लागत आनी थी और दूरी थी लमसम 190 किलोमीटर के आसपास। अब हम बात करें जो नया सर्वे लिया गया, उसमें झालावाड़ से उज्जैन के बीच में करीबन 10 से 12 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाना था। अब उज्जैन से लेकर के आगर के बीच में 3 वैकल्पिक मार्ग यहां पर लिए जाने थे, यानी कि अगर उज्जैन से झालावाड़ के बीच में इस रेल लाइन को बनाया जाए तो उज्जैन से आगर के बीच में ही यहाँ पर 3 रूटों पर जो है निर्माण हो सकता है। अब जो पहला रूट है वो उज्जैन से सुरासा होकर के आगर तक है, जिसकी कुल लंबाई 189 किलोमीटर की है, इसकी कुल लागत 2800 किलोमीटर की है। अब जो दूसरा जो वैकल्पिक मार्ग है वो उज्जैन से लेकर के उज्जैनिया के रास्ते आगर से लेकर के झालावाड़ तक के लिए है, जिसकी कुल लंबाई 182 किलोमीटर की है, जिसकी लागत 2700 करोड़ रुपया की गई है। वहाँ अगर हम बात करें तीसरी रेल लाइन, तो उज्जैन से लेकर के जगोटी के रास्ते आगर तक और आगर से आगे झालावाड़ तक, इसकी कुल लंबाई 178 किलोमीटर की है। इसको बनाने का कुल खर्चा जो है यहाँ पर 2600 करोड़ रुपये के आसपास आंका गया है। बात करें अगर हम फाइनल लोकेशन सर्वे की, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर DPR जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है काम को देखा जाएगा, यानी कि सरकार में सबसे पहले तो यहाँ पर मार्ग को तय किया जाएगा कि आखिर उज्जैन से आगर के बीच में कौन से रेल मार्ग से होकर के इस मार्ग को चुना जाए, और उसके बाद में उसकी DPR बनाई जाएगी। उसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको बताते चलते हैं कि उज्जैन से अभी वर्तमान में नागदा के रास्ते कोटा तक का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन ये जो रूट है इसके बन जाने के बाद उज्जैन से आगर के रास्ते झालावाड़ के रास्ते जो है सीधा कोटा तक का सफ़र तय काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, और दूरी भी यहाँ पर कुछ हद तक कम हो जाएगी, सफ़र भी काफ़ी छोटा लगने लगेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।